टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा सदन के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने और राहुल गांधी द्वारा उसका वीडियो बनाकर अपमान करने को लेकर भाजपाइयों और जाट नेताओं में आक्रोश पनपने लगा है। राजधानी भोपाल में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में शहर के रोशनपुरा चौराहे पर भाजपा के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान भाजपा विधायक का विश्वास सारंग रामेश्वर शर्मा और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इसे एक जाट नेता का अपमान बताया है। बता दें कि मंगलवार को सदन के बाहरी विपक्षी सांसद आदि एकत्र थे। उस दौरान टीएमसी सांसद कैलाश बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी। टीएमसी सांसद द्वारा की जा रही मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी द्वारा बनाया गया था, जिसको लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कड़ी आपत्ति की थी। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्षी नेताओं की ऐसी हरकत को गलत बताया। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने भोपाल के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। भारत की राजनीति में उच्च सदन राज्यसभा के सभापति उनका मिमिक्री करना, टीएमसी के सांसद के द्वारा मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना और राहुल गांधी के द्वारा वीडियो बनाकर घोर अपमानित करना, ये देश के राजनीतिक इतिहास में केवल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सम्माननीय सभापति का अपमान नहीं, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से देश को अपमानित करने का काम सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है, आज पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश का जनमानस आज इस बात को लेकर के गुस्से में है कि इस प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति जो हमारे जाट समाज के हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अपमानित किया है। आज पूरे देश के नौजवान, देश का जनमानस राहुल गांधी सोनिया गांधी से जवाब पूछ रहा है कि आपने जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का अपमान किया है और टीएमसी के सांसद को समर्थन दिया है, आप मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने भारत का अपमान किया है क्योंकि इनके मन के अंदर भारत नहीं है, इनके मन के अंदर तो इटली है, इसलिए इन्हें भारत के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। आज पूरा देश और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनमानस ने आज इसकी कड़ी आलोचना की है और सोनिया गांधी राहुल गांधी से जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो अपमान किया है, आज उसके लिए देश से माफी मांगे और देश की जनता जिसके खिलाफ खड़ी है। देखिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनका मजाक उड़ाना मतलब संविधान का मजाक उड़ाना है, और संविधान इस देश की आत्मा है और इसके आत्मा के साथ खिलवाड़ करना राहुल जी के साथ और सोनिया जी के साथ, हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते, सारे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। ये आक्रोश आज सड़क पर है और इसीलिए आज सोनिया जी का और राहुल जी का पुतला फूंका गया। जब तक वो देश से माफी नहीं मांगेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे।